भाई बात यह है ना कि अगर हमारे पास 1 लाख रुपया रहता है, या फिर आप लोग सोचते हैं कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपया है और 1 लाख रुपया में आप 125 सीसी की सबसे बेस्ट बाइक, जो कि थोड़ा सा लुक में भी बेस्ट हो, माइलेज भी ज्यादा बेस्ट हो, इंजन भी काफी रिलायबल हो, तो जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको लेकर आ गया हूँ। दिखा दू कौन सा गाड़ी, ये देखो भाई, प्रेजेंट है ऑल न्यू होंडा साइन SP125 सीसी का ये गाड़ी। और भाई ये गाड़ी का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो हमारे यहाँ झारखंड में 89,000 के आसपास इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस है। बात करते हैं इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस की ना, तो वो मैं भाई वीडियो के लास्ट में बताऊंगा या फिर वीडियो के बीच में मैं कहीं बताऊंगा, लेकिन आज सबसे पहले बताऊंगा इस गाड़ी का क्या है माइलेज, क्या है टॉप स्पीड और BS6 का फेज 2 E20 फ्लेक्स फ्यूल विथ OBD2 इंजन के साथ है, तो क्या ये OBD2 इंजन है, क्या बेसिकली अपडेट है, वो सारा चीज मैं आज के इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो जी हाँ फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे इस चैनल पे, और अभी तक भाई आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। क्यों सब्सक्राइब करोगे पता है, बारिश में वीडियो शूट कर रहे हैं यार, आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं फिर भी एक सब्सक्राइब करने में क्या ही जाता है आपको। तो चलिए, आई होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, चलिए एक बार वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले गाड़ी के फ्रंट साइड से, तो आप यहाँ पे देखोगे ना, ये देखो सबसे पहले तो भाई इसका जो है ना इंडिकेटर, टर्न इंडिकेटर, ये आपको बल्ब में मिलता है। इसके साथ साथ वाइजर का कुछ ये डिजाइन है, आप यहाँ पे देख रहे हो वाइजर का कुछ इस टाइप का डिजाइन है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा डुअल कलर टोन में ग्राफिक्स देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ अब आपको मैं दिखा दूँ उसका हेडलाइट, भाई हेडलाइट आप यहाँ पे देखो, आप जैसे एक बार इसको देखोगे ना तो फुली LED के सेटअप में इसका हेडलाइट देखने को मिलता है, जो कि काफी शानदार आपको हेडलाइट मिलता है। वो डबल स्प्लिट में है LED में, वो भी मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। तो ये देखो एक बार आप चेकआउट करो इसको, यहाँ पे आपको फुल्ली LED के सेटअप में इसका हेडलाइट देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका फ्रंट का टायर सेक्शन, तो आप यहाँ पे देखोगे कि 80x100 सेक्शन के 18 इंच का आपको यहाँ पे फ्रंट में ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है। 240mm का आपको यहाँ पे इसका डिस्क ब्रेक का डायमीटर भी देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको दोनों ही साइड देखोगे ना तो रिफ्लेक्टर देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको ग्लॉसी के फिनिशिंग में, यहाँ पे मैट के फिनिशिंग में। फ्रंट की सस्पेंशन की बात कर ले तो टेलीस्कोपिक टाइप के आपको यहाँ पे इसके फ्रंट के सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ बात करते हैं इसके इंजन सेक्शन के बारे में, तो आप यहाँ पे देखो इसका जो इंजन है वो 123cc का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर में आपको इसका इंजन देखने को मिलता है। मैक्सिमम पावर आपको 10.82 PS की मैक्सिमम पावर मिलती है और 10.9 Nm की इसकी मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिल जाती है। टोटल 5 स्पीड टॉप गियर बॉक्स के साथ आपको ये गाड़ी देखने को मिलेगा, विद साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ के साथ मिलता है। 11.2 लीटर की आपको यहाँ पे इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी देखने को मिलती है। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देखोगे ना तो ये जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा अट्रैक्शन बना देती है, यहाँ पे मस्कुलर लुक दे देती है। डुअल कलर टोन के साथ मिलता है, यहाँ पे मैट है और यहाँ पे थोड़ा सा ग्लॉसी मिलता है। इसके साथ साथ होंडा का एक लोगो यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी आप बैटरी पैनल के पास देखोगे तो SP125cc का एक बैजिंग भी देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ कुछ यहाँ पे आप लुक की बात कर ले ना तो ये देखो यहाँ पे ये गाड़ी का कुछ इस टाइप से लुक बनता है, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लुक बनता है। ओवरऑल लेंथ के बारे में बात कर लेते हैं तो 2020mm की इसकी ओवरऑल लेंथ देखने को मिलती है, और वहीं सीट हाइट 790mm की आपको यहाँ पे इसकी सीट हाइट देखने को। मैं बात कर लेता हूँ इस गाड़ी की कर्व वेट की, तो भाई यहाँ पे आपको 116kg की आपको इस गाड़ी की कर्व वेट देखने को मिलती है। और वहीं ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर ले ना तो भाई साहब 160mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, यहाँ पे एक बार आप चेकआउट करो 160mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। बाकी रियर के टायर साइज की बात कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे 100x80 सेक्शन का 18 इंच का आपको यहाँ भी रियर का टायर साइज देखने को मिलता है। रियर में आपको ड्रम मिलता है, डिस्क नहीं मिलता है। 130mm का आपको यहाँ पे ड्रम ब्रेक के डायमीटर भी देखने को मिलेगा। रियर में हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर टाइप के सस्पेंशन मिलते हैं। एग्जॉस्ट के पास आ जाते हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ क्रोम का प्लेट यूज किया गया है। इसके साथ साथ ESP टेक्नोलॉजी के साथ मिलती है, यानी इनहेंस्ड स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ आपको ये गाड़ी देखने को मिलती है। 11.2 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ सिंगल सीट में आपको ये गाड़ी यहाँ पे ऑफर करती है कंपनी। ग्रैब हैंडल की बात कर लेते हैं तो कुछ इस टाइप से आपको ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं। पीछे की टेल लाइट आप देखोगे कुछ इस टाइप से होंडा का बैज मिल जाता है। यहाँ पे लेडीज साड़ी गार्ड मिल जाता है। इसके साथ साथ चैन कवर की बात कर लेते हैं तो ये आप देखोगे आपको फाइबर बॉडी में इसके चैन कवर देखने को मिल जाएंगे। गाड़ी का ओवरऑल लुक आपको मैं दिखा दूँ तो ये देखो कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे गाड़ी का ओवरऑल लुक मिलता है, जिसमें फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, रियर में हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलता है। फ्रंट का जो ब्रेक डायमीटर है वो 240mm का है, रियर का जो ब्रेक डायमीटर है वो 130mm का है। 790mm का इसका सीट हाइट मिल जाता है। ओवरऑल माइलेज के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको यहाँ पे इसके मीटर कंसोल को एक बार चेकआउट करा देता हूँ। तो मीटर कंसोल को चेकआउट कराने के लिए भाई यहाँ पे अभी किक भी लगा हुआ है और एक सेल्फ का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है इस गाड़ी में। इसके साथ साथ आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ ना तो ये देखना भाई फुल्ली
डिजिटल मीटर का सेटअप यहाँ पे मिलता है। ये आप देख रहे हो, एक बार भाई बरसात का मौसम है, पानी भी आ रहा है, तो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ यहाँ पे। आप देखो यहाँ पे, आप एक बार चेकआउट करना, यहाँ पे देखो फ्यूल गेज, स्पीडोमीटर, गियर शिफ्ट एडवाइजर, टाइमिंग, किलोमीटर, सारा कुछ आपको यहाँ पे डिजिटल देखने को मिलता है। इसके साथ साथ की कुछ इस टाइप का है। बाकी यहाँ पे देखोगे राइट साइड इंजन को स्विच मिलेगा और लेफ्ट हैंडल बार में आ जाते हैं, तो यहाँ पे आप चेकआउट करो। पास लाइट का ऑप्शन मिलता है जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो, पास लाइट का बल्ब जल रहा है। इसके साथ साथ इंडिकेटर का लाइट आपको यहाँ मिलता है, हॉर्न आपको कुछ इस टाइप से मिल जाते हैं। बाकी एग्जॉस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे आप एक बार सुनो एग्जॉस्ट, तो भाई कुछ ये एग्जॉस्ट हैं गाड़ी के। बाकी प्राइस की बात कर ले तो लगभग लगभग 89,000 के आसपास इस गाड़ी की एक शोरूम प्राइस है। हमारे यहाँ कहाँ पे, होंडा शोरूम होराइजन होंडा डाल्टनगंज का, मैं बात कर रहा हूँ डाल्टनगंज में, ये गाड़ी का एक शोरूम प्राइस है 89,000 रुपीज। और ऑन रोड प्राइस की बात करें तो लगभग लगभग 96,000 to 97,000 के आसपास ये गाड़ी जाती है। बाकी माइलेज की बात कर लेते हैं तो भाई होंडा की साइन SP125 जैसी है वो माइलेज के लिए ही जानी जाती है, विथ बेटर परफॉर्मेंस के लिए। ESP टेक्नोलॉजी के साथ आती है, इनहांस स्मार्ट पावर के साथ ये गाड़ी मिलती है। एक शोरूम प्राइस मैंने बता दिया, ऑन रोड प्राइस लगभग लगभग 96,000 to 97,000 के आसपास जाएगा। माइलेज की बात कर लेते हैं तो भाई 55 to 60 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से ये 125 cc की गाड़ी माइलेज देती है। बाकी आपको ये गाड़ी कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताना, चैनल पर पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।